आदर्श ग्राम कान्हावाड़ी में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर सांसद दुर्गा प्रसाद उइके, आमला विधायक डॉक्टर योगेश और जिला पंचायत सीईओ एमएल त्यागी, अरविंदाचार्य, बाबूलाल भगत, पूर्व संसदीय सचिव रामजीलाल उइके, भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री दीपक, भाजपा जिला मंत्री विशाल और पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष राजेंद्र के अलावा जनपद सीईओ दानिश अहमद खान, चौकी प्रभारी रवि शाक, जनपद पंचायत अध्यक्ष सुशीला धुर्वे, सरपंच कमलेश परते, पूर्व सरपंच नरेंद्र उइके ने घुग्गी गांव में करीब 10 लाख रुपए से जो तालाब निर्माण कार्य चल रहा है और जहां वह श्रमिक काम कर रहे हैं उन श्रमिकों का सम्मान किया गया है, पुष्प वर्षा की गई है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र भर के लोग मौके पर मौजूद रहे। नमस्कार सर, मजदूर दिवस के ऊपर आज क्या बोलते हैं यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, इस संदर्भ में जानकारी दें सर। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है और हम सभी का नैतिक उत्तरदायित्व है कि हम अपने श्रमिक भाइयों और बहनों का अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। इसलिए आज माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, अन्य सभी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने ये तय किया कि हम सभी कार्यस्थल पर चलकर ही हमारे श्रमिक भाइयों और बहनों का अभिनंदन करेंगे। फलस्वरूप आज हम श्रमिक भाइयों और बहनों के बीच में आए और उन सबका अभिनंदन किया। हमारे ज़िले में श्रमिक भाई और बहनों को पर्याप्त रोज़गार देने की व्यवस्था की गई है। मनरेगा योजना अंतर्गत लगभग 46,000 से अधिक मजदूर कल काम पे लगे हुए थे, आज इस संख्या में और भी वृद्धि होगी ऐसा मैं मानता हूँ। सर, इसके अलावा और किस तरह के कार्य को आज स्वीकृति दी गई है? ज़िले में जल संरक्षण के जितने भी संरचनाएं हैं उनको प्राथमिकता दी गई है, साथ साथ अन्य काम भी जो स्थानीय लोग जरूरी समझते हैं उनको भी खोला गया है। सर, 1000 से अधिक काम मनरेगा योजना के अंतर्गत यहां चालू हैं। धन्यवाद सर।